Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinam Vadhitamastu Ma Vidvishavahaihi Om Shanti 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 Pratibodha Viditam Matam Amratatvam hi vindate Atmana vindate viryam Vidyaya vindate mratam Yadapi Kanadanam Atma Manaha Sanyogajo Bodho Atmani Samavaiti Ata Atmani Bodhrtvam Natu Vikriyatmaka Atma Dravyamatram Tu Bhavati Ghat Iva Raga Samavai Asmin Pakshe Api Achetanam Dravyamatram Brahma Iti Vijnanam Anandam Brahma Prajnanam Brahma Ityadyaha Shrutayoho Baditasyu Atmano Niravayavatvina Pradesha Abhavat Nitya Sanyuktatvacha Manasah Smriti Utpatti Niyama Anupapatti Aparihariyasyat Sansarga Dharmitvam Cha Atmanah Shrutihi Smritihi Nyaya Virudham Kalpitam Syat Asango Nahi Sajjate Asaktam Sarvabhrat Iti Shruti Smriti Nayascha Gudavad Gudavatta Sansrajyate Na Atulya Jatiyam Ata Nirgudam Nirvishisham Sarvavilakshanam Kenachit Api Atulya Jatiyena Sansrajyate Iti Etad Nyaya Viruddham Bhavet Tasmat Nitya Alupta Jnana Swarupa Jyotihi Atma Brahma iti ayam arthaha sarva bodhavodhrutve atmanah siddhyati na anyatha tasmat pratibodha viditam matam iti yatha vyakhyata eva arthaha asmabhihi. So, pramukh darshano ka jo mat tha, jaise ki kal वैशेषिक दर्शन का भगवान भाष्यकार ने खंडन किया. ध्यान रखिए, कोई मत ऐसा नहीं है कि उस वाले को वेदांत के रहस्य का पता नहीं है. यह सब के सब हमारी साधना की क्या है, स्थितियां हैं. इसलिए किसी भी दर्शन को ये कहना कि यह दर्शन गलत है, तो यह उस साधक की क्या कही जाएगी, अपरिपक्व स्थिति है. कोई भी दर्शन गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की साधना की स्थिति बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसके देखने का जो नजरिया है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है. इसलिए आप घबराते हैं कि इस दर्शन ने ऐसा कह दिया तो अब क्या होगा. होगा कुछ नहीं. जैसे आप यदि कक्षा नहीं आते थे तो चीजों को देखने की जो दृष्टि थी वो क्या थी, थोड़ी अलग थी. जो थोड़ा और गंभीर हो गया उसकी अब देखने की दृष्टि क्या हो गई, दूसरी हो गई. जो बहुत ज्यादा गंभीर है उसकी देखने की दृष्टि अभी एकदम अलग है. जीवन मुक्त की देखने की दृष्टि एकदम अलग है. तो पहली वाली दृष्टि गलत थी ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन उस समय के अनुसार वही दर्शन क्या था, सत्य था. दूसरी बात यह है कि वह जो दर्शनों के आचार्य थे वह आचार्य अज्ञानी नहीं थे. चाहे वो बल्भाचार्य हों, चाहे वो निम्बार्काचार्य हों, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हों, चाहे कणाद ऋषि हों, यह सब किसी एक विशेष संदेश को लेकर आए थे और उस संदेश को क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया.
उनका काम क्या था, सिर्फ उस संदेश को देना। तो किसी भी आचार्य के प्रति ऐसी बुद्धि भी कभी मत पालिए कि ये आचार्य अज्ञानी है, कि बल्भाचार्य को तो पता ही नहीं है, रामानुजाचार्य को तो पता ही नहीं है, हमको पता है वेदांत क्या सच है। इसका मतलब आप आचार्य के प्रति जो बुद्धि होनी चाहिए वो आपकी ठीक से अभी भी सन्यास धर्म के आचार्य, यदि बल्भाचार्य आ जावे तो उनको भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जहां पर मत रखने की बात आती है वहां कौन सा मत रखते हैं, शंकराचार्य जी का मत रखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण था, मुझे नहीं लगता राजेंद्र जी किस संप्रदाय में, रामानुजाचार्य रामानंदी अलग है, रामा दर्शन जो होंगे वो रामानुजाचार्य होगा, निम्बार्काचार्य होगा, बल्भाचार्य होगा, है ना, रामानुजाचार्य में होंगे। तो आपने देखा कि राजेंद्र दास जी आए थे, आश्रम बुलाया था, उस समय हम लोगों की शायद और महिमा बुद्धि कम हो उनके प्रति, मेरी तो अभी भी बहुत है, महाभारत ही उनका सुना, संभवतः आपको याद हो मैंने उस समय भी ये कहा था, दर्शनों में मतभेद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है और हमारा एकदम ही अद्वैत है, दर्शनों में मतभेद हो सकता है लेकिन जो जीवन जीने की शैली है उसमें कतई मतभेद नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य बल्भाचार्य को तो कोटिशा प्रणाम है। और हम तो कई बार ऐसा कहते हैं कि जीवन जीने की शैली शंकराचार्य जी ने नहीं सिखाई है, जीवन जीने की शैली शंकराचार्य जी ने नहीं सिखाई है, पूजा करने की शैली शंकराचार्य जी ने नहीं सिखाई है, प्रवचन सुनने की स्थिति कैसे बैठें ये भगवान शंकराचार्य जी ने नहीं बताया। ये किसने बताया, ये पतंजलि ऋषि ने बताया, जब बैठें तो प्राणायाम करके बैठें, श्वास को मध्यम गति में करके बैठें, उपरति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ये बात किसने कही। तो आज वह नहीं है तो फिर वेदांत भी नहीं समझ सकते। ज्यादातर जो हमारी पूजा पद्धति है, उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति तो रामानुजाचार्य बल्भाचार्य और निम्बार्काचार्य की ही देन है, तो उसका खंडन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां की अपनी एक क्या है, सीमा है। जैसे कोई रात दिन मूर्ति की ही पूजा करता रहे तो फिर उसकी उन्नति नहीं हो सकती, फिर उसका दर्शन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो वहीं तक रुके और आपको क्या कर दिया गया, एक कदम और आगे बढ़ाया गया। तो किसी भी दर्शन के प्रति हे दृष्टि ना हो, पहला मैं जानबूझ के आपको ये पढ़ा रहा हूं, हालांकि मैं जब अपने सीनियर से भी बात करता हूं और जो अपने आचार्यों से भी बात करता हूं, उनका स्पष्ट मत है कि गृहस्थों को ये सब मत सुनाऊ। मैं उनसे बोलता भी हूं कि 8-10 बोले कुछ भी हो जाए, इसीलिए ये सीडी अवेलेबल नहीं होती है, ये ऐसे प्रवचन भी नहीं मिल पाते, ये गृहस्थों को मत सुनाओ क्योंकि कुछ भी कह लो सब जो कर रहे हैं वो सब छोड़ छाड़ देंगे। और सच में ये बात है कि हम जो वेदांत पढ़ने वाले लोग हैं वो पूजा पाठ को छोड़ देते हैं। आप देखो ना, आचार्य पूजा पाठ अभी भी कर रहा है, अब हमारे स्वामी जी वो रात बच जाए तो भी वो शिवलिंग का अभिषेक, मतलब जल चंदन धूप दीप नैवेद्य करते ही हैं, यथा कोशिश मैं भी करता रहता हूं, लेकिन संभवतः शिष्य वर्ग में उपासना गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने वेदांत पढ़ लिया। तो देखो आप, अब जिसने उपासना ही छोड़ दी उसको वह जो शक्ति है वो कहां से प्राप्त होगी, समझने की सोचो आप। जो आचार्यों के आचार्य हैं वो उपासना कर रहे हैं। हाँ, उपासना की अपनी एक क्या रहनी चाहिए, सीमा रहे। जैसे
वेदांत का साधक जन्माष्टमी मनाएगा तो मनाएगा, वो अभिषेक भी करेगा, लेकिन उसका ध्यान उपवास से ज्यादा चित्त वृत्ति पर होगा कि आज जो चित्त वृत्तियां हो उसकी चित्त वृत्ति का जो विषय होवे वो क्या होवे, वह कृष्ण होवे, वह कृष्ण होवे। तो उस दिन वो जप की संख्या को थोड़ा बढ़ा लेगा, एकांत में थोड़ा ज्यादा बैठेगा, कृष्ण के बारे में क्या करेगा, चिंतन करेगा। अच्छा, कोई और संप्रदाय का होगा वो जुटा रहेगा उसी में, दूध दही घी शक्कर शहद, फिर पूरा रात दिन उसी में जाएगा। साधक को बहुत विभाजन करके रखना चाहिए। मतलब मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि अभी सिर्फ पिछले साल की बात है, तो बड़ी अच्छी एक बड़ी गोपनीय वार्ता हो रही थी मुझे, मेरी वो हो रही थी स्वामी तेजोमयन जी से, बड़ी गोपनीय वार्ता थी अकेले बंद कम में। मेरे प्रश्न थे तो उनका कहना था कि कुछ भी हो जावे उपासना जीवन से मत छोड़ना। देखो ये कौन कह रहा है, आचार्यों के आचार्य कह रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो जो मैंने आपके सामने उदाहरण रखा कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जितनी माला छूटी उस माला को उन्होंने का मैंने कवर किया। जो गुरुओं का गुरु होवे, जो वेदांत को जी रहा होवे, और वह व्यक्ति ये सीख देता है, वो व्यक्ति ये कहता है कि व्यवहार बाहुल्य में तब तक मत उतरो जब तक कि उपासना ना हो जाए। कोई मर नहीं जाएगा, मत मिलो, बंद कर लो दरवाजा। तो मैंने कहा आप बोले, मैं मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है तो मैं प्रातःकाल ही करता हूं, एयरपोर्ट पे जाना होता है तो 3 बजे करता हूं, लेकिन कुछ करके जाता हूं। ये कौन सा दर्शन है, ये भगवान भाष्यकार का दर्शन तो नहीं है। ये जो चिंतन की सामर्थ्य है ये कहां से प्राप्त होगी। चिंतन की सामर्थ्य कहां से प्राप्त होगी। हिरण्य गर्भ की उपासना से। मैं एक दिन आपको कह रहा था एक वॉक में कि प्रातः काल एक बार ये बात हो गई, अभी सब क्या रिकॉर्ड करना, 17 साल के पहले की 18 की बात है कि स्वामी जी को मैंने ऐसा देखा कि मैं कमरे में जा सकता था, उस समय भी थी अनुमति, तो मैंने देखा स्वामी जी पूजा भी कर रहे हैं और ईशावास्य उपनिषद पढ़ाना था उनको, हम लोगों को, तो उनके बगल ईशावास्य उपनिषद भी रखा था और दीपक भी जल रहा था। तो मैंने पूछ लिया बालवत कि ये क्या स्वामी जी, तो किताब भी रखी है, पूजा भी हो रही है, बहुत प्रश्न रहते थे मन में मेरे। तो उन्होंने कहा कि पूजा के माध्यम से चिंतन को जागृत कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, तो बोलते हैं धूप दीप देने से मन में क्या हो गई, पवित्रता और एकाग्रता क्या हो गई, जाग गई। जैसे ही एकाग्रता का प्रवेश हो गया तो बोले ईशावास्यम आच्छादनीयम यत किंचित जगत्याम जगत, इसको साधना में कैसे देखा जाए, ये बोले किताब मैंने रख दी और मैं इस पे अब चिंतन कर रहा हूं ईशावास्यम की साधना क्या होगी। ये साधना कहां पे कर रहे थे वो जरा देखना, उपासना स्थल पर कर रहे थे। अब वो बढ़ गई उपासना, अब तो बहुत बढ़ गई, जो 16 साल हम 19 साल मुझे ही हो गया, तो स्वामी जी की तो और क्या स्थिति होगी। कहां से मिला, और आज भी जो घनिष्ठ लोग वो देखते हैं कि रात ही हो जाए, हम बैठे रहते हैं 11-12 बज जाए, लेकिन 10 मिनट के लिए वो अंदर जरूर जाते हैं, फॉर व्हाट पर्पस। ये दर्शन हमारी साधना की सीढ़ियां हैं। हालांकि हमारे अन्य आचार्य मना कर रहे हैं आपको पढ़ाने से कि अन्य दर्शनों को, क्योंकि इनकी श्रद्धा खंडित हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूं कि आपको आगे पीछे से ये बात समझाई जाए
कि जब आप साधना करेंगे तो ये परेशानियां आपके सामने आएंगी जो दर्शनों में रखी गई हैं। अगर ये परेशानियां नहीं आती हैं तो समझ लीजिए साधना ठीक से नहीं हो रही है। मतलब सबसे अच्छी है कि जो व्यक्ति एकांत में चिंतन करने बैठेगा, ध्यानस्थ, हम ध्यान का अर्थ हम ये नहीं लेते आंख बंद करना, जो व्यक्ति चिंतन के लिए बैठता है कुर्सी पे बैठ जाए, चिंतन की मुद्रा में, अब देखो आप ऐसी ही मुद्रा को मैं शांभवी मुद्रा कहता हूं, बड़ा रहस्य बना रखा लोगों ने शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा क्या है आखिर? शिव जी की एक ऐसी स्थिति है जो सोई हुई भी है और जगी भी हुई है, जगत से अचेत हो गई है और ब्रह्म में चेत हो गई है। तो साधक की ये कौन सी स्थिति है? शांभवी मुद्रा है। वो शांभवी मुद्रा में बैठकर यदि वो चिंतन करता है, कभी भी करे, कभी भी करे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहा के कीजिए, आपसे बिना नहाए होता तो आप वैसे कर लीजिए, स्वागत है, लेकिन इन दर्शनों से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। मेरा ऐसा मत होता है कि जब गुजरना ही है तो भगवान तो इसी जन्म में क्यों नहीं गुजार देते भाई, जो झेलना हो इसी जन्म में झेल जाए, बहुत हो चुका, इतना झेले तो अब आगे और क्यों ऐसी सीढ़ी रखी जाए। लेकिन ध्यान रखिए ये वही करेगा जो उसको ध्यान में क्या कर रहा है, जी रहा है। तो उसके सामने ये प्रश्न आएगा, आपके मन में कोई प्रश्न हो एकदम बेझिझक इसको पूछिए, और एकदम किताब, इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किताब ये उल्टी कर दी और वह सब चिंतन आपके चित्त में जागृत होना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान को जागृत करना। मैं फिर से रख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली दृष्टि भाष्यकार ने यह दी कि प्रश्न यह है कि मन को प्रेरणा कौन दे रहा है, यही था, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, केनेषितं वाच इमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौदेवो युनुक्ति। आखिर इनको प्रेरणा, इनको नियोजक करने वाला कौन है, यह प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि जो नियोजक है वह इंद्रियों से अलग है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। मनसो मनो यद वाचोह वाचम प्राणोह प्राणम, वो है तो पहला तो है और जो है वह इस संघात से अलग है, इसलिए एक शब्द दे दिया गया था असंगत, याद हो गया होगा आपको, असंगत। उस असंगत की प्रेरणा से यह कार्यकरण संघात कार्य कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है आपके चिंतन में? और उस असंगत को वाणी से मन से पकड़ा नहीं जा सकता। यदवाचानुभ्युदितम यदवाग अभ्युद्यते, याद आ गया ये मंत्र सब? बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग नहीं आए हैं अभी तक। अब प्रश्न एक था साधक का, पूरी केनोपनिषद आपको ऐसे उल्टी रखनी है कि वह जो असंगत तत्व है वह बौद्धिक पता तो हो गया, बौद्धिक, लेकिन मेरी अनुभूति नहीं है। बौद्धिक ज्ञान किस काम का जब व्यक्ति को उसको उसके बारे में पता ही नहीं, तो मैं इसका अनुभव कैसे करूं? और उसी बीच में एक शिष्य को पढ़ाया और उस शिष्य ने कह दिया कि मैंने जान लिया, और उसके गुरु ने कहा यदि तुमने ये कह दिया कि जान लिया तो समझ लो तुमने नहीं जाना। ये आख्या क्या आ चुकी सब आपके सामने?
मतलब कोई भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष कभी ये नहीं कहता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और हम सीना फुला के बोलते हाँ हमने तो जान लिया। आप किसी विद्वान से बोलें कि आपने केनोपनिषद, तो वो बोलता है स्वाध्याय कर रहा हूं। ले अभी भी मैंने कल किसी रात में महात्मा से बात की तो बोलता है स्वामी जी स्वाध्याय ही चल रहा है। अब स्वाध्याय क्या चल रहा है, हम 20 के हो गए, आप तो 40 साल से साधना में है, अभी भी स्वाध्याय। वो ये नहीं कहता कि मैंने ब्रह्म को क्या कर लिया, यह कहना ही मूर्खता है। और आचार्य ने कह ही दिया कि एक दिन ऐसा समझते हो ना तो तुमने नहीं जाना, जाओ। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका ये मत है कि वो अमत है उसका ही मत है। ये भी श्लोक आप देख चुके। आचार्य ने उसको एक एक आगम वाक्य बोला था जिसमें बहुत ज्यादा प्रवचन आपने सुना, क्या था, तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। इस पर बहुत ज्यादा प्रवचन हुआ है, मेरे ख्याल से पता नहीं अपलोड हो भी गया शायद, कितना हुआ है, 29 तक आ गया होगा यूट्यूब पर। यही इसकी की है केनोपनिषद की, कौन सी ये जो लाइन है, कौन सी, तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। अब वो साधक परेशान हो गया महाराज, कहते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब श्रुति कहती है मैं तुमको बौद्धिक नहीं अनुभव के लिए एक चीज बोलती हूं, अनुभव के लिए क्या बोलते हैं। और यह भी याद रख लो साधक, इसके अलावा इसका कोई अन्य द्वार नहीं है। मैं बार बार हर प्रवचन में लाइन रिपीट कर रहा हूं, ये अंडरलाइन की होगी आपने, सबसे पहले ही भाष्यकार ने लिखा है, और नहीं हो तो कभी इस जन्म में अगले जन्म में इस पर खूब मनन कर लीजिए। न अन्य द्वारम अंतर आत्मन विज्ञानाय, ऐसा श्रुति बोलती नहीं है जनरली, न अन्य द्वारम। अब कभी किसी ने सोचा हो कि कोई और तरीके से कोई गुरु और कोई आचार्य और कोई कुछ समझा देगा, तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दो, श्रुति कहती न अन्य द्वारम, कोई और द्वार है ही नहीं जानने का। मिल गया भाष्य, सबको मिल गया, अंडरलाइन किया आपने, ये न अन्य द्वारम अंतर आत्मना विज्ञानाय, उसके विज्ञान के लिए इससे बड़ा और यही ही एक द्वार है, बस द्वार है। द्वार के अंदर भगवान बैठे होते हैं, द्वार के अंदर पुरुष बैठा होता है, पुरुष से मिलने में जो आखिरी बाधा है वो क्या है, वह द्वार है। जैसे ही द्वार खुला दर्शन हो गया। द्वार तक पहुंचने की अपनी एक साधना थी, वो बताई जा चुकी, वो उपासना है उस द्वार तक पहुंचने की। बस द्वार के अंदर दर्शन करना है तो आपको वो कपट हटाना पड़ेगा। देखो इसको कपट पट हटाने पड़ेंगे, जहां कपट है वहां तो दर्शन हो ही नहीं सकता, छल छिद्र तो खैर काम ही नहीं आ सकता। अच्छा बोले महाराज आप ये बताइए द्वार क्या है। ब्रह्म की अनुभूति के लिए द्वार एक है, एक है, एक है, वो है वृत्ति। ये मंत्र आ गया आपका, बोधम बोधम प्रतिबोधम मतम, मिल गया मंत्र आ गया सीधे इस पे, बोधम बोधम प्रतिबोधम मतम, यही यही आत्मना का द्वार है। अंतरात्मनाय विज्ञानाय एकम द्वारम, कौन सा द्वार है, बोधम बोधम प्रतिबोधम मतम। भाष्यकार ने जो अर्थ किया, बोध मतलब क्या, जिससे हमको ज्ञान होता है वह ज्ञान कराने वाली चीज का नाम बोध है। इसी को वेदांत में वृत्ति कहा गया, प्रत्यय कहा गया, ठीक है ना।
पूरा सुलझा सुलझा के एक पक्ष सब सामने रख रहा हूं आपके। अब भगवान भाष्यकार ने एक पक्ष ये रखा कि जो वृत्ति है वह तो जड़ है, लेकिन उस वृत्ति को प्रकाशन करने वाला जो है वह सर्व प्रत्यक्षदर्शी है और वह चित शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये अंडरलाइन हुआ होगा सब आप में, है ना, यही सब है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको प्रदर्शन के लिए नहीं, ये आपकी बुद्धि में ऐसे ही एकदम होना चाहिए, तब आप आसन पे बैठ के देख सकते हो, वरना कहां तक टेप रिकॉर्डिंग और किताब लेके कहां तक चलेंगे हम भाई। आंख बंद हो और आपके सामने ये सब रहस्य मंडराने लगे आसपास। वह जो इस वृत्ति का दर्शी है वह सर्व प्रत्ययदर्शी है, ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों ने सर्व प्रत्ययदर्शी नहीं माना है। यदि सर्व प्रत्ययदर्शी बोला जाता है तो उसका कुछ अर्थ है। सर्व प्रत्ययदर्शी है और वह सर्व प्रत्ययदर्शी किसके कारण है, बोले चित शक्ति, ये भी देख चुके आप। चित शक्ति के कारण फिर तो बहुत सारी परंपरा आपको दिखा दी थी, तो फिर वह काल में बाधित नहीं है, याद आ गया, इसीलिए उसको कहा गया नित्य। ये रटने वाला वेदांत छोड़ दीजिए कि जो तीनों काल में रहता है वो नित्य है, याद आ गया आपको, इस पे स्वामी जी ने बाध किया, ये छोड़ दीजिए जो तीनों काल में है, तो वह नित्य है। कौन? सर्व प्रत्ययदर्शी। वह शुद्ध है क्योंकि वहां दो नहीं है, हो गया। अशुद्धता तब आती जब दो चीजें मिलती हैं, जब दो है ही नहीं तो अशुद्धता का तो कोई लेना देना नहीं है। ये किसके बारे में पक्ष रखा? बोध का जो दृष्टा है, स्पष्ट होता है, इस पर अंडरलाइन कराई होगी, जो जिनमें है नहीं है आसपास से लीजिएगा, उन पर मनन कीजिए, स्पष्ट हो गया ना, आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब इस पक्ष को, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। हमको अभी सच तो इसलिए लग रहा है क्योंकि बड़ा आसान लगता है ये सुनने में, क्योंकि यही सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे ना तो मैं आपको बताऊं, ऐसे जमीने औंधे पे पटके जाएंगे कि आपको कोई धरती नहीं मिलेगी जब ध्यान में बैठेंगे। कौन वृत्ति, कौन दृष्टा, कहां का चेतन, कहां का शुद्ध, सब गया। क्यों? वहां पर कोई आपके पास आलंबन नहीं रहेगा। यहां तो शास्त्र का आलंबन है, आचार्य का आलंबन है, वातावरण का आलंबन है, बहुत आलंबन है, इसलिए तो बुद्धि थोड़ी चल जाती है। जैसे ही अकेले जाएंगे तो फिर आपकी ही शक्ति काम में आने वाली है, इसलिए मैं कहता हूं एकांत में बैठकर इसको देखिए और कहां फंसते हैं वो उठाइए प्रश्न। अब इसमें रुकावट आपका ही मन डालेगा, उसी मन के एक पक्ष को न्याय दर्शन कहा, आपके मन के एक पक्ष को। ऐसा लगता है कि कोई भगवान भाष्यकार के आगे बैठा है, कोई नहीं बैठा था, भाष्यकार के आगे कोई नहीं बैठा है, लेकिन भाष्यकार ने एक पक्ष उठाया। क्या बोलते हैं? तुम बोध को ज्ञान मानते हो, मैं बोध को क्रिया मानता हूं। अब क्या गलत है? अच्छा आप ये बताओ भाई, आप भी तो बोलते हैं कि जब पढ़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, तो पढ़ना क्या हुआ? तो जब बोध एक क्रिया है तो उसका कोई ना कोई करता है, जिसको आप दृष्टा कह रहे हो मैं उसको बोध क्रिया का क्या कह रहा हूं, करता कह रहा हूं। देखो ये पक्ष आ गया। अब ये ध्यान में आपको देखना चाहिए कि मैं उसको करता मानूं कि मैं उसको दृष्टा मानूं। ये अध्ययन सिर्फ किताब का नहीं होना चाहिए, यह आपका अनुभूत होना चाहिए। क्यों ना मानूं भाई करता? भाष्यकार ने आपकी मदद की कि जो कर्ता का ज्ञान होता है उसमें तारतम्य होता है,
विक्रिया होती है, सावयव होता है, तो ज्ञान भी कैसा होगा फिर? आना और जाना ज्ञान में होगा, ये पक्ष आप देख चुके हो न्याय दर्शन पहले का। जब वह करता होगा तो ज्ञान होगा, और जब वह करता नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। और वह करता नित्य है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ये एक पक्ष था। किसका पक्ष था? न्याय दर्शन। इसी को समाप्त करते करते, क्योंकि भाष्यकार ने क्या बोला कि यह तो सावयव है, आ गया। सावयव का अर्थ बताया था जिसमें गुण होते हैं, और जो चीज सावयव होती है वह चीज अनित्य होती है। वह जो दृष्टा हो गया वो कैसा हो गया? अनित्य हो गया। जबकि हमारा ऐसा अनुभव तो है नहीं, हमारा तो दृष्टा का अनित्य का अनुभव तो नहीं है। उसकी मदद के लिए दूसरा पक्ष आता है, उसका नाम है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन ये कहता है, मैं इनसे थोड़ा सा डिफर करता हूं, किससे? न्याय दर्शन से। बोलता है जो आपने अनित्यता बोली है, मैं इसका उपाय बताता हूं। आत्मा नित्य है मैं मानता हूं। हो हो, आत्मा नित्य? हां, लेकिन आत्मा में जो यह जो बोध है, सावधानी से, आत्मा एव बोधा नहीं, आत्मा एव बोधा नहीं, आत्मनि बोधा। एक हो गया आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, ये वेदांत का पक्ष है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? आत्मा ही ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा तो अधिकरण है, उसमें जो ज्ञान है वह एक गुण है जो संयोग के कारण आता है। किसके संयोग के कारण? बोले मन के संयोग के कारण आत्मा में चेतनता नामक गुण पैदा होता है, जिसको कि आप बोध कह रहे हैं। इसका मतलब जो बोध है वह संयोगज है। किसका संयोगज है? आत्मा का और मन का। और आत्मा कैसी है? नित्य है। तो आप जो हमारे न्याय दर्शन को क्या कह रहे थे अभी? अनित्य। तो आप अनित्यता का तो अब तो निराकरण कर दिया मैंने। आत्मा कैसी है? नित्य है। लेकिन उसका जो ज्ञान है वह नित्य नहीं है। वह किसके कारण है? संयोग के कारण। कैसा संयोग है? बोले समवाय। ये इसकी व्याख्या हो चुकी है अच्छे से। समवाय कारण से समवाय संबंध, वह समवाय संबंध से वहां पर आत्मा में रहता है बोध नामक गुण। तो बोले आपको जो सब दोष दिखाई दे रहे थे, कौन कौन सा? अनित्यता, अशुद्धि और ये सब जो दोष था वो सब चले गए। आचार्य ने माना है कि आपके इस चीज को मानने से जो पहले वाले दोष थे वो सब क्या हो गए? चले गए। बोले फिर तो ठीक हो गई बात, बन गई। फिर भगवान भाष्यकार ने दिखाया, नहीं नहीं बात नहीं बनी है, उनके दोष का तो निराकरण कर दिया, लेकिन आप में अन्य दोष और आ गए। ले मतलब एक डॉक्टर से गए थे इन्फेक्शन को दूर करने, उसने एक तो दूर किया और दूसरा और दे दिया। तो बोले अब क्या दे दिया? बोलते हैं आप एक बात बताओ, आत्मा में बोध है तो आत्मा तो द्रव्य हुई। बोले हम तो द्रव्य मानते ही हैं। बोले द्रव्य कैसा होता है? बोले जड़ होता है। तो बोले आप आत्मा को? बोले मैं आत्मा को जड़ ही मानता हूं। आत्मा जड़ ही है लेकिन नित्य है। जो हम नित्यता के पीछे लगे हैं वो बोलते हैं नित्य है लेकिन जड़ है, है ना? आत्मा नित्य है, जैसे कि पंच महाभूत, दिक और काल नित्य हैं और जड़ हैं। अच्छा भाई, भाष्यकार कहते हैं मुझे पहला एक दोष ये है, श्रुति का दोष है।
ये कल आपने देखा है, विज्ञान में आनंदम ब्रह्म, जो आनंद है वह ज्ञान के कारण माना गया है। विज्ञान में श्रुति देखिएगा कल क्या था, प्रज्ञानम ब्रह्म, हमने तो ब्रह्म का लक्षण विज्ञान किया है, हमने तो ब्रह्म का लक्षण प्रज्ञान किया है, और आप क्या मान रहे हैं, जड़। तो श्रुति तो आपका समर्थन कहला, पहला दोष कैसा हो गया, श्रुति का हो गया। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। पहला दोष, जड़ता में आनंद नहीं हो। कल इसलिए स्वामी जी ने बोला कि वृंदावन का क्या सियार बन जाऊं, वृंदावन का सियार बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी वैशेषिक की मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे जड़ बना दोगे, और जड़ बना के कहोगे कि तुम तो नित्य हो, मुझे ऐसी नित्यता नहीं चाहिए। हमें तो आनंद चाहिए, और आनंद को, आनंद का सोर्स आपका वेदांत सिर्फ बोध को मानता है। मैं जो लोग थे कल, मैं कह उसको सरल भाषा में कह रहा था, कृष्ण का मतलब है बोध, और जहां बोध है वहां आनंद है, जहां बोध नहीं है वहां आनंद का आभास मात्र है। इसलिए कृष्ण तत्व को बोध तत्व माना गया है, चित तत्व मान रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये बांसुरी वाला कृष्ण नहीं है, ये माखन चोर वाला कृष्ण नहीं है, ये कौन सा कृष्ण है? सत चित आनंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे तत्व को कृष्ण कहते हैं। ये व्याख्या कल आपने सुनी, जो लोग होंगे दोपहर में, इसको कृष्ण तत्व कहा गया। ये जन्माष्टमी का कृष्ण है, ये शास्त्रीय सत्य है। जो हम कर रहे हैं वो तो भगवान मालिक के यहां लिखा गया है, लेकिन शास्त्र जो कृष्ण की उपमा दे रहा है वो ये दे रहा है, कृष्ण ही बोध तत्व है। और एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, आनंद तो वही है जहां बोध है, निश्चित जानिए। जिसके पास बोध है वो आनंद में मस्त है, क्रिया में आनंद नहीं है। क्रिया में आनंद थोड़ी देर का है, जब तक क्रिया का संपादन करते हैं। जैसे मूवी देखना, कोई सत्कर्म करना, ये है ना भाई। आप देखो, इसको निराशा का स्वर मत लीजिए, न जाने कितनी तो जन्माष्टमी मना चुके हैं, और हर बार जन्माष्टमी आ जाती है, न जाने कितने जन्मदिन हम लोग मना चुके अपने। इसलिए कल एक संत को मैं सुन रहा था रात में, वो बोलते हैं अजन्मे का जन्म, अजन्मे का जन्म, इसी का नाम बोले जन्माष्टमी है। अजन्मे का जन्म ही जन्माष्टमी है, वाह। अब हमारे चिंतकों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, अजन्मे का जन्म होता है क्या? अगर होता है तो वो आभास है, होता है तो आभास है। साधक के लिए मैं ऐसा कहता हूं, भाई हम लोगों का भी, जैसे आज आप मना रहे हैं जन्मदिन, साधक के लिए तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि तुम भी ऐसा जन्म में बोध को प्राप्त कर लो कि तुम्हारी स्थिति भी अजन्मे की जैसी हो जाए, तो जन्म सार्थक है। अगर जन्म का परिणाम जन्म ही आता है तो न जाने कितने जन्म मना चुके। लेकिन अब जन्म का परिणाम यह होवे कि जन्म की स्थिति ना आवे,
तो फिर जन्म का जो माहौल है, जो उत्सव है, तो वो सार्थक है। देखो ऐसी मांग प्रभु से कम होवे कि अगर हम जीवन मुक्त नहीं है तो हम ये मांग तो कर सकते हैं कि ऐसा बोध मेरे मन में उत्पन्न कीजिए जिससे मेरा अब आगे इस चक्र से तो मैं छूट जाऊं, इतनी कृपा दृष्टि तो डालिए। वो कृपा दृष्टि क्या होगी? वो कृपा दृष्टि बोध होगी। जब तक बोध नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। कटाक्ष किरण चांत, कहां पढ़ा आपने? हाँ, अद्वैत मकरंद। वह अपने गुरु से, भगवान से कहता है, भगवान मेरे ऊपर थोड़ी तिरछी नजर डालिए, कटाक्ष। ये कटाक्ष किरण क्या है? बोले चित्त में बोध का उत्पन्न होना। यह बोध उत्पन्न हो जाए तो जन्म सार्थक है। बस ये बोध वृत्ति यही है। ये ज्ञान ही बोध है, यह ज्ञान ही तीसरा नेत्र है, यह ज्ञान ही आत्म प्रसाद है। जो आत्मा का प्रसाद है वह सिर्फ ज्ञान है, बोध है। इसी को प्रतिबोधम विदितम मतम का। हे वैशेषिक दर्शन के आचार्य, आप में जो पहला दोष है वह श्रुति का दोष है। स्पष्ट हो गया? दूसरा दोष, आप ये बताइए कि वह जो आत्मा थी वो कैसी थी? बोले निरवयव थी। बोले बहुत सुंदर। तो बोलते हैं, हे वेदांती, तुम निरवयव नहीं मानते क्या? बोले हाँ, मैं भी निरवयव मानता हूं। तो बोले फिर मुझसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? तुम भी तो यही मानते हो। देखना अभी कैसा सटीक प्रश्न पूछेगा, वैशेषिक पूछेगा आपसे। तुम भी निरवयव मानते हो? हाँ। पर अभी तो वेदांती ने प्रश्न किया पहला, निरवयव कौन सी चीज होती है? जो देश अपरिच्छिन्न है वही निरवयव है। देश अपरिच्छिन्न, देश अभावात्, स्पष्ट होता है ये? जो देश से अपरिच्छिन्न है वही व्यापक हो सकता है। अगर व्यापक है इसका अर्थ हुआ कि वहां देश का नितांत अभाव है। एक एक चरण को लेके चलना है आपको। यदि वह निरवयव है तो देश अपरिच्छिन्न हुआ, ठीक है? अगर देश अपरिच्छिन्न हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो गया? व्यापक हो गया। यदि वो व्यापक है तो उसका जो संग है वह सदैव कैसा होगा? नित्य संग होगा। उदाहरण आकाश। आकाश निराकार है तो आकाश देश परिच्छिन्न नहीं है, तो आकाश का हमारा और आकाश का हां नित्य संग है। इस कमरे में जाएंगे तो, उस कमरे में जाएंगे तो, यहां जाएंगे तो, वहां आकाश का संग कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम आकाश को छोड़ दें। अच्छा, आकाश का संग क्यों है? क्योंकि आकाश व्यापक है। आकाश व्यापक क्यों है? क्योंकि आकाश निरवयव है। ये सीक्वेंस एकदम दिमाग में रहना चाहिए। इसका मतलब जो चीज व्यापक होती है उसका उस चीज से क्या हो गया? नित्य संग हो गया। बोले हाँ, मानता हूं आपकी बात। तो बोले इसका मतलब तुम्हारे में मन का संबंध किससे है? आत्मा से। तो आत्मा कैसी है? व्यापक। इसका मतलब वह जो बोध है, वह जो बोध है वो कैसा हो गया? नित्य बोध हो गया ना। बोले हाँ, नित्य बोध हो गया तो आप खुशी मनाओ ना। बोलते ना, यदि नित्य बोध हो गया तो स्मृति की व्याख्या कैसे करोगे?
किसकी व्याख्या? बोले स्मृति क्या चीज भाई, हम पहले किसी से मिले थे और आज हमको वह चीज याद नहीं आ रही है, फिर हमने उसको क्या किया, याद किया। अगर नित्य बोध बना रहेगा तो स्मृति की आवश्यकता है ही नहीं। तो तुम्हारे कारण स्मृति का जो नियम था वो क्या हो गया, वो भंग हो गया। तो जीवन में कभी स्मृति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नित्य क्या हो गया, संग हो गया। ये दोष दिखाया उसको, किसको दोष दिखाया, वैशेषिक दर्शन को। कितने दोष दिखा दिए, दो, तीसरा दोष और दे, वो उसमें संसर्ग का दोष आ जाएगा। किसमें, किसमें, आत्मा में, मिल गया, संसर्गे, आत्मा में संसर्ग का दोष आ जाएगा। और जबकि श्रुतियों में कहा गया, देखिए अब यहां से देख रहे थे, दिखाएंगे तो कल ही आपको, आत्म असंगो ही सज्जते असक्तम सर्वभृत्यैव इति श्रुति स्मृति न्यायश्च, तर्कतः भी देख लोगे तो गुणवत गुणवताम संसृज्यते न अतुल्य जातीयम। अब ये तो एक अलग आपको अच्छे से और समझाना पड़ेगा, संसर्ग दोष का मतलब क्या हुआ। मैं बस एक पंक्ति में इसको कहूं, संसर्ग दोष क्या है। संसर्ग दोष का मतलब यह हुआ कि मन के जो भाव होंगे वह सदैव आत्मा में भी क्या हो जाएंगे, फिर सदैव, यदि मन में सुख है तो आत्मा में भी सदैव, मन में दुख है तो आत्मा में भी सदैव क्या हो गया, तो आत्मा क्या हो गया, संसर्गी। तो ऐसा श्रुति ने कहा, कहा यह किसको दोष दिखाया गया है, वैशेषिक दर्शन को। तो यह तीन दोष हैं, यह तीन दोष हैं। पहला श्रुति का दोष है, दूसरा स्मृति, स्मृति मतलब याद, और तीसरा क्या हो गया, संसर्ग का दोष। अभी संसर्ग को दोष को सुनेंगे, उसके बाद एक पक्ष और है जो अति सूक्ष्म पक्ष है, वह है बौद्धों का, उससे अति सूक्ष्म दर्शन नहीं हो सकता। हालांकि नास्तिक दर्शन है वो, बौद्धों का जो दर्शन है वो नास्तिक है, लेकिन हाँ मुझे बहुत करीब लगा और भगवान भाष्यकार से मिलता जुलता है। यदि कोई विवेक ना करे तो उस पक्ष में गिर जाएगा, किस पक्ष में, बौद्धों के पक्ष में, लेकिन उसमें भाष्यकार ने क्या दिनाए हैं, दोष। तो मैंने जानबूझ के ये समय इसलिए लिया आज कि ये पढ़ते चले जा रहे हैं, और जब जब भारी हो जाएगा ना तो आपका मन ऊब जाएगा, आप कह दो कुछ समझ में नहीं आता है, यही होने वाला है, होगा भी यही, मैं बता दे रहा हूं, मैं भी गुजर चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। बेहतर है कि जिस दर्शन को जब समझाया जाए, आधे घंटे समय निकालकर एकांत में अपने मन से उसका खंडन कीजिए, तो आपको बहुत समझ में आएगा। जैसे न्याय दर्शन ने बोला करता है, तो याद है उसमें क्या दोष दिखाया, करता ही नहीं होता, गुण भी तो एक चीज होती है, तो गुण भी तो करता है, स्वामी जी ने याद दिलाया था आपको। तो ये जब ध्यान में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, तो फिर आपको इतना आनंद आएगा कि एक एक दर्शन की चीजें हमारे मस्तिष्क में क्या हो गई, आ गई, तब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, बैठ के अकेले ही मनन कीजिए। लेकिन अगर अभी आपने ये सब नहीं निपटाई फाइल, तो एक साथ न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध, अब बौद्ध के बाद दो और छोटे आएंगे भी दर्शन, भाष्यकार उनको बोल देंगे तुमसे बात करने का हमारा मन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्तर नहीं है मुझसे बात करने का, ऐसा बोलेंगे, आनंद में रहो। छोटे बच्चे हो, बोले कुछ भी चिल्लाते रहते हो, उनसे बात ही नहीं की। जब वो बहुत चिल्लाएंगे तो उनको एक लाइन बोल दिया है, वो एक लाइन बहुत बड़ी लाइन बोल दी। तो मैं ये कह रहा था ये सब चीजें दो तीन दिन में समाप्त तो हो जाएंगी, लेकिन आपकी गाड़ी वहीं की वहीं फंसी रह जाएगी। इसलिए स्पष्ट है कि इन चीजों को उसी दिन वहीं का वहीं क्या कीजिए, समाप्त कीजिए, तब आपको बड़ा आनंद ये आएगा कि न्याय निपट गया, वैशेषिक समझ में आ गया, बौद्ध समझ में आ गया, तीनों दर्शनों में कहां कहां मतभेद है ये समझ में आ गया,
और फिर वेदांत दर्शन अपना पकड़ के रखिए, हो गया। हाँ तो उसमें क्या हो गया? हाँ वो बोलते हैं आत्मा तो द्रव्य है और द्रव्य क्रिया का जो करता है वो दृष्टा है, आत्मा तो जड़ है, दृष्टा जो है वो कौन है? दृष्टा नहीं है, वो क्या है? वो करता है, क्योंकि बोध को उन्होंने क्रिया माना है। स्पष्ट हो गया? चलिए आज 18वां अध्याय जरा।